हेलो दोस्तों, बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी ये केमिकल्स की। आप देखिए, लास्ट डे भी हमने एक वीडियो किया था इसके ऊपर और हमने वहां पर आपको 50 रुपए का टारगेट दिया था और देखिए आज 50 रुपए का लगभग अचीव होता हुआ हमारा दिखाई दिया है। यहाँ पर आज जो स्टॉक में रैली देखने को मिली उसके पीछे की कई वजह है, हम सारे रीजन की बात करेंगे और क्या रैली कंटिन्यू रह सकती है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे समय पर है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि हिमाद्री का जो एक स्टॉक है हमारा काफी तेजी से बढ़ा है आगे और वहां पर जो रैली आई है वो उसके जो सपोर्टिव पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे हैं जिनकी वजह से आज रैली आई है। तो बात करेंगे सभी चीजों की डिटेल में और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें हिमाद्री की तो आप देखिए कि 19% के आसपास का मूव यहाँ पर आया है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, हमने जब लास्ट वीडियो किया था तभी हमने आपको कहा था कि इसमें बहुत तेज रैली देखने को मिल सकती है जल्दी ही और यहाँ पर वो मूव आता वो दिखाई दिया है। बट जो अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज्यादा इस स्टॉक में वो है कि 100 मिलियन का वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऐसे छोटे स्टॉक में अक्सर देखने को नहीं मिलता है, हिमाद्री जो कि स्पेनिश स्टॉक कह सकते हो आप इसे, और वहां पर इतना भारी भरकम वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दिया तो ये बहुत गजब की बात है। आप देखेंगे तो 100 मिलियन का वो 100 मिलियन प्लस वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम सेट हुआ है आज बाजार में। बाजार को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चार्ट को आप देखिए तो सुबह के टाइम पे थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी वहां पर, बट उसके बाद एकदम से जो रैली आई है हमारी 10-10:30 बजे के बाद वो बहुत गजब की और अपर साइड में ही ये रुका हुआ है, हमारे स्टेबल क्लोजिंग भी दिखाई है इस स्टॉक ने। हिमाद्री की जो रैली हुई है उसके अगर कारणों के पीछे की बात करें तो रीजन्स में बहुत ज़्यादा रीजन्स हमारे, जैसे आप कल भी देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर के ट्वीट से काफ़ी सारे एंड आरबीआई गवर्नर के कई सारे बयान आए थे जिनकी वजह से केमिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। सिर्फ हिमाद्री ही नहीं, आप टाटा केमिकल्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी 10% से ज़्यादा की रैली वहाँ पर भी देखने को मिली है अभी, ठीक है, और हिमाद्री उनमें से उनके साथ ही बढ़ा है हमारा, तो काफ़ी अच्छी खासी एक रैली केमिकल सेक्टर में आती हुई दिखाई दी है और ये रैली आगे भी जारी रह सकती है क्योंकि जो खबरें आ रही हैं चाहे वो आगे गवर्नर की तरफ से हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से हो वो सभी इस रैली को सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई खबर आती है इस तरह की तो वो एक दो दिन की नहीं होती, वो रैली कंटिन्यू रहती है, ठीक है। चार्ट की भी बात करेंगे बट अब बात करें कि हमारी हिमाद्री की कि डिलीवरी क्या है, हमारी डिलीवरी प्रोसेस क्या है, क्या अब लोग माल उठा रहे हैं या नहीं, क्योंकि उससे पता लग जाता है कि क्या यहाँ पर आपको बाइंग करनी है या नहीं करनी है। आप देखिए 23 फरवरी यानी परसों की बात करें 52% प्लस डिलीवरी थी हमारी यहाँ पर, कल की बात करें 24 फरवरी की तो 47% से ज़्यादा की डिलीवरी कल भी उठाई गई थी। अब शेयर ट्रेड देखेंगे तो 12 मिलियन शेयर्स हैं हमारे, 23 मिलियन शेयर्स हमारे, 29 मिलियन शेयर्स हमारे ट्रेड हुए हैं, बट ओवरऑल अगर आप आज देखेंगे आज की बात करें तो 100 मिलियन प्लस का जो एक वॉल्यूम आया है उससे लगता है कि इस स्टॉक में जो रैली है वो बरकरार रहने वाली है, आगे भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी और आप देखेंगे कि हिमाद्री का जो ये वॉल्यूम आया है इसकी वजह से ये स्टॉक 50 से लेकर के 75% की भी रैली आसानी से क्रॉस करेगा, ठीक है। आज की डिलीवरी क्या कुछ हुई है, आज की डिलीवरी में बात करेंगे कि आज कितना माल उठाया गया है तो 30% से ज़्यादा का माल आज भी उठाया गया है। आप देखिए 100 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड होता है तो मतलब परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो यहाँ पर कमी आई है श्योरली, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे नंबर्स में कि कितने शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए गए तो 30 मिलियन शेयर्स आज भी बाय किए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म परपज, यानी 3 करोड़ शेयर्स बाय किए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म परपज। अब देखिए डिलीवरी कितनी बेहतरीन है हमारी, है ना। आरबी गवर्नर का एक बयान आता है और उसे केमिकल सेक्टर में आग लग जाती है तो उससे ही लगता है कि जो आग लगी है ये इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। हिमाद्री का जो स्टॉक हमारा आज 20% बढ़ा है वो आगे भी इस तरह की एक रैली कंटिन्यू कर सकता है बशर्ते कि थोड़ा सा जो बाजार है, अब बाजार को अगर आप देखोगे तो बाजार हमें एक संभलता हुआ दिखाई देता है, कल भी देखिए पेनेसी का ग्लिच हुआ था और ग्लिच के बाद आप देखोगे तो बाजार में काफी तेजी देखने को मिली वहां पर। यहाँ पर भी आप देखिए 15,098 का एक जो लेवल था हमारा 15,000 क्रॉस करने का वो क्रॉस किया है निफ्टी ने, जो बेंचमार्क है हमारा, जैसे कल का हमें पता था कल काफी भारी भरकम खरीदारी बाजार में की गई थी। आज की आप बात करें, आज का भी डेटा आएगा FII आएगा तो उसकी भी बात करेंगे हम, बट आप देखिए कि बाजार जो है हमारा वो धीरे धीरे करके संभलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे 15,270 का जो एक लेवल है निफ्टी का उसकी जरा भागेगा ये, ठीक है, वहां पर हालांकि थोड़े दिन तक हॉल्ट ले सकता है, वहां पर थोड़ा सा साइडवेज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी हमारा, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफी तेजी एक इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है इस समय पर। निफ्टी 50 के साथ ही निफ्टी नेक्स्ट 50 को आप देखिए, निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो हर एक इंडेक्स में हमारी अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है और बाजार का जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह से हमारा बाजार मूव करता है उसी तरह से हमारे जो छोटे स्टॉक्स है वो भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं। बाजार अगर हमारा पॉजिटिव है तो वहां पर स्टॉक्स भी हमारे पॉजिटिव रहने की उम्मीद आप कर सकते हो, अगर बाजार हमारा नेगेटिव होता है तो वहां पर जो छोटे स्टॉक्स हैं स्पेशली जैसे हिमाद्री हो गया, ट्राइडेंट हो गया, सुजलॉन हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया या फिर यस बैंक हो गया हमारा,
ये छोटे स्टॉक्स हो जाते हैं, यहाँ पर गिरावट का माहौल आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये स्टॉक सेंटिमेंटल होते हैं और जब भी बाजार के सेंटिमेंट खराब होते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर मोस्टली पैनिक में आ जाता है, तो वहां से माल की बिकवाली शुरू हो जाती है और वो एक बड़ा रीजन बनता है जिससे कि जो छोटे स्टॉक्स है उनमें गिरावट होती है। बट चूंकि आप देखोगे तो हमारा एफएनओ एक्सपायरी वीक भी है 25 तारीख हो गई 26-27 और वहां से वीक खत्म होगा उसके बाद एफएनओ एक्सपायरी खत्म हो जाएगी हमारी और नेक्स्ट मंथ में हमारा काफी अच्छा खासा मोमेंटम एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बुल रन हमारा दोबारा से स्टार्ट होगा, जो बुल्स हैं वो दोबारा से मार्केट को ग्रैब करेंगे और वहां से हमारा बाजार और बाजार के बाद हमारा हिमाचली स्टॉक दोनों ही भागते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब बात करें एफआईआई डेटा की, क्या डेटा हमें सपोर्ट करता है, तो कल का आप खरीदारी देखिए, ग्लिच के बाद की खरीदारी आप देखेंगे तो एफआईआई ने 28,700 करोड़ का माल यहां पर बाय किया है बाजार में। इतनी भारी भरकम खरीदारी जब भी बाजार में होती है, बाजार को आप कल के बाजार को देखेंगे तो 3.5% हमारा बैंक निफ्टी बढ़ा था और उससे लगातार 7 दिन पहले तक बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट देखने को मिली थी, तो वो रिकवरी आती हुई दिखाई देती है। अगर खरीदारी इस तरह की होती है तो बैंक में अच्छी खासी रिकवरी एक आती हुई दिखाई देती है, बाजार में अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, DII की बात करें तो यहाँ पर ये लोग भी ग्रीन जोन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 230 करोड़ का माल DII ने भी परचेज किया था, हालांकि इनकी खरीदारी बहुत कम है इस समय पर, इनको अपनी खरीदारी को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। आप देखिए कि जब 2 दिन लगातार FII ने एक माल बेचा था बाजार में और वहां पर थोड़ा सा DII ने लास्ट दिन में सपोर्ट किया था, लास्ट 2 दिन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये खरीदारी के माहौल में दिखाई दिए हैं DII जो है हमारे, बट उससे बाजार काफी संभल गया था, 2 ही दिन बिकवाली हुई थी और दोनों दिन हमारा बाजार धड़ाम से बहुत ज्यादा नीचे गिरा था। उसके बाद कल की बात करें 24 फरवरी को तो वहां पे 28,700 करोड़ का माल खरीदा है इन्होंने, तो काफी ज्यादा जो फ्री सप्लाई बाजार में आ गई थी वो ऑब्जर्व होती हुई दिखाई दी है और उसकी वजह से जो बाजार रहा है हमारा वहां से भागता हुआ दिखाई दिया, वहां से रिकवरी आती हुई दिखाई दी और वही एक बड़ा रीजन बना है कि आप देखेंगे कल फाइनेंस मिनिस्टर के ट्वीट आए थे कई सारे और RBI गवर्नर के भी कई बयान आए थे और आज की भी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई थी वहां पर कई बड़े बयान दिए हैं RBI गवर्नर ने और वहां से हमारा स्टॉक जो है केमिकल सेक्टर स्पेशली भागता हुआ दिखाई दिया है और ये एक बड़ा रीजन है हमारा, ये रैली हमारी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब बात करें चार्ट की, चार्ट क्या कुछ कहता है हमारा, अब देखिए इस रैली की वजह से जो हमारा एक स्टॉक बेरिश जोन में था वो इस समय पर बुलिश जोन में आ चुका है, यहाँ से जो हमारा आप देख सकते हैं MACD हमारा डायरेक्टली ऊपर हो चुका है और यही एक बड़ा रीजन बनेगा हमारा कि ये स्टॉक हमारा ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब ये इसे क्रॉस कर देता है और हिस्टोग्राम जो भी नेगेटिव बन रहे हैं हमारे डाउनसाइड भी बन रहे हैं वो अगर अपसाइड में बनना यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो एक बड़ा रीजन वो बड़ा एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आएगा, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस समय की बात करो आप तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हमारा इस स्टॉक में एक दो अगर एक आध कैंडल्स भी अगर ग्रीन आ जाती हैं तो वहां से बुल रन आ जाएगा, इसमें इस स्टॉक को बुल रन ग्रैब कर लेंगे और वहां से स्टॉक हमारा 60-62-63 का एक लेवल अचीव करते हुए भागेगा। ठीक है, अब आज देखिए आज जो हमारा 47 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा था वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है, हालांकि इससे नीचे भी एक रेजिस्टेंस जोन आप मैंने बताया था आपको 43 रुपीज का एक रेजिस्टेंस जोन था, तो लगातार 2 रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हुए हैं और जब भी लगातार 2 रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होते हैं तो आप यकीन मानिए स्टॉक हमारा बुल रन ने ग्रैब कर लिया है, अब यहाँ से भागता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला जो टारगेट होना चाहिए हमारा यहाँ पर शॉर्ट टर्म को 51 रुपीज 60 पैसे का हमारा शॉर्ट टर्म का एक बचा हुआ है एक रेजिस्टेंस जोन और ये इसकी तरफ भागता हुआ स्टॉक हमारा दिखाई दे सकता है। ठीक है, बाजार में देखिए बाजार में पॉजिटिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाजार पॉजिटिव रहेगा हमारा तो वहां से स्टॉक भी पॉजिटिविटी की तरफ भागेगा। आप देखिए RSI हमारा जो कि काफी नेगेटिव जोन की तरफ बढ़ रहा था वो 59 हो चुका है, यानी कि काफी पॉजिटिव यहाँ पे रिलेटिवली काफी प्राइस मोमेंटम स्ट्रांग हो चुका है जो कि बताता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें है, तो टेक्निकल्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं इस समय पर कंपनी के, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, छोटी कंपनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेटर्स का दबाव रहता है, हालांकि प्रमोटर्स का दबाव रहता है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो SCL जो कंपनी है हमारी वहाँ टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटल भी काफी ठीक ठाक है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है लास्ट वीक में, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर बाइंग करिए, बट यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है अभी भी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम बना है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है और एक दिन की रैली नहीं होती, आप देखिए एक दिन का रैली नहीं होता अगले दिन भी ये आता है और जब हमारी टेक्निकल्स इस तरह के बने होते हैं, RSI हमारा ऊपर बॉर्ड जोन में नहीं है, MACD हमारा भी पूरी तरह से अपर साइड में नहीं आया है, तो यहाँ पर और बुल रन की आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं हमारी। ठीक है, तो ओवरऑल लास्ट कॉल आपका होना चाहिए बाय करना है सेल करना है या होल्ड करना है, मैं कहूँगा आप होल्ड करें तो ठीक रहेगा आपका, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी बनाइए, यहाँ से निकला है 1-1.5 महीने में आप और अच्छा खासा इसमें रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है, अभी क्या स्ट्रेटेजी इस स्टॉक को लेकर के बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो या होल्ड करो प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल पे को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, एंड शेयर कर दिया करो यार फेसबुक अकाउंट वगैरह पे अपने। थैंक यू।